Like both look very pretty and very similar. Like, are you guys cousin or you guys study in the same school or something? Hi, I'm Sarthak. What about you? Don't be scared. I know it's all awkward. All of a sudden somebody pops up with a great hi. What's your name? You guys live near the? Yeah, we'll probably catch up next week. We'll be a buddy. What's yours? Number? 91 688 688. Thank you so much for being here. It's fine. We are not doing this for the first time. अरे मादरचोद लग गई। So guys, क्या आपको पता है इस दुनिया में केवल 10% लौंडे ऐसे हैं जो लड़कियों को अप्रोच करते हैं। बाकी 90% लड़के भी लड़कियों को अप्रोच करते हैं, लेकिन वो 90% लड़के केवल उन लड़कियों को अप्रोच करते हैं जिन लड़कियों पे उन लड़कों को क्रश होता है। और क्योंकि 90% लड़कों को उन लड़कियों को अप्रोच करने में इसीलिए इतना डर लगता है क्योंकि उनका ऑलरेडी उस लड़की के ऊपर क्रश आ चुका होता है, तो उन लोगों के अंदर से इतनी ज्यादा फटी हुई होती है कि उन्हें डर लगता है कि कहीं लड़की रिजेक्ट ना कर दे क्योंकि उन्हें उस लड़की के ऊपर क्रश है। और इस डर से कि कहीं वो लड़की उन्हें रिजेक्ट ना कर दे, वो उस लड़की के सामने बहुत ज्यादा नाइसली और बहुत ज्यादा डरे हुए नर्वसली उस लड़की को अप्रोच करते हैं, इसीलिए या तो वो फेल होते हैं, और अगर उन लॉन्डो को अपनी क्रश का नंबर मिल भी जाता है या आईडी मिल भी जाती है ना, तो या तो वो लड़की उन्हें रिप्लाई नहीं करती है या तो सीधा उन्हें फ्रेंड जोन में डाल देती है और कभी कभार तो सीधा ना बोल देती है। और अगर वो लड़के उस अनजान क्रश को अप्रोच करने में रिजेक्ट भी होते हैं ना, तो वो इसीलिए रिजेक्ट होते हैं क्योंकि वो उस लड़की को अप्रोच करते हुए सही तरह की वाइब्स नहीं दे पाते और बहुत ज्यादा डरे डरे रहते हैं, जिस वजह से लड़की उन्हें इसीलिए रिजेक्ट करती है क्योंकि वो डरा हुआ लौंडा है। और मैं सही बता रहा हूँ, बहुत सारी लड़कियां एक्चुअली बहुत अच्छी होती हैं, आप उनको अप्रोच करने जाओगे तो उन्हें अगर भले ही आपके अंदर इंटरेस्ट नहीं होगा ना, वो फिर भी आपको अपना नंबर दे देंगी या कम से कम आपसे पोलाइटली बात कर लेंगी क्योंकि आप बड़ी हिम्मत करके आए हो, तो वो आपका मोरल डाउन नहीं करना चाहती होती है। लेकिन वो लड़कियां इस कॉन्वर्सेशन के बाद ही 90% लड़कों को कभी भी अटेंशन नहीं देती है क्योंकि इन्होंने लड़कियों को सही तरह से अप्रोच नहीं किया होता या एक बहुत नीडी तरह से अप्रोच किया होता है, और लड़कियों को नीडीनेस की बू से ही नफरत है। और पता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? जैसा आपको लगता है ना लड़कियां होती हैं, वैसी लड़कियां एक्चुअली नहीं होती, इसीलिए तो अभी तक कट रहा है ना भाई। और इस मुसीबत की सबसे बड़ी जड़ आपको पता है क्या है? वो अश्लील पिक्चरें जो आप देखते हैं या इंस्टाग्राम पे कुछ ऐसी लड़कियां देखते हैं जिनको देख के आपके अंदर के हार्मोन्स बदल जाते हैं। और होता क्या है ना, हमारे दिमाग को समझ में नहीं आता है कि हम जिस लड़की को देख रहे हैं वो लड़की को एक्चुअली हम रियल में अपने सामने नहीं देख रहे हैं, अपने फोन में देख रहे हैं। और क्योंकि हमारा ब्रेन रियलिटी और वर्चुअल में जल्दी डिफरेंशिएट नहीं कर पाता, इसीलिए जब आप उन लड़कियों को देखते हैं, उन्हें अप्रोच नहीं कर सकते या उनको पा नहीं सकते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं एक सेल्फ डाउट क्रिएट होने लगता है और आपकी सेल्फ वर्थ लो होने लगती है कि मुझे ऐसी लड़कियां नहीं मिल सकती। और इसी वजह से जब आप लड़कियों को रियलिटी में देखते हो ना, तो आप उनको ठीक से डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हो, आपको लगता है ये भी एक्चुअली उसी की तरह होगी, बेसिकली बहुत ज्यादा एटीट्यूड, काफी ज्यादा एजी कॉकी रूड, जिसकी वजह से आपको ही एंड में एक लूजर की तरह फील होने लगता है। और दूसरी वजह एक्चुअली ऐसा हो सकता है कि जिस लड़की पे आपने अभी तक बहुत ज्यादा इन्वेस्ट किया होता है, काफी ज्यादा इमोशंस और टाइम लगाए हुए हैं, उस लड़की ने आपको कुछ नहीं किया है बल्कि केवल आपका कॉन्फिडेंस और आपकी सेल्फ इमेज को आपकी ही नजरों में डिग्रेड किया है, आपको अपने पीछे लगा लगा के, आपको रिजेक्ट कर करके, यू नो, आप जो डिजर्व करते हो वो चीजें ना देखे। और एक और सबसे बड़ा चुतियापा जो फैल गया है, जो कि है एक्चुअली मूवीज ने फैलाया है, कि भाई तुम जब भी किसी अनजान लड़की को अप्रोच करने जाओगे तो वो लड़की हमेशा अपनी चप्पल उतार के अपनी चप्पल का नंबर तुम्हारे मुंह पे छाप देगी। अब ये चीज हो सकता है उन्होंने इसलिए दिखाई हो कि लड़कियों को छेड़ना नहीं है, और मैं ना ही आपको ये सिखा रहा हूँ कि लड़कियों को छेड़ना है, मैं आपको जो सिखा रहा हूँ वो आपको अभी सीखने के लिए मिलेगा, बट मेरा कॉन्टेक्स्ट ये नहीं है। और मैं सही बता रहा हूँ, अब लड़कियां थप्पड़ नहीं मारती हैं, जैसे जैसे हमारी सोसाइटी बिल्कुल मॉडर्नाइज हो चुकी है, ठीक उसी तरह से लड़कियों की थिंकिंग भी बदल चुकी है, लड़कियां भी इवॉल्व हो गई हैं, और जब आप उनको अप्रोच करते हो ना, दे एक्चुअली फील कॉम्प्लीमेंटेड, स्पेशली उन्हें तब बहुत खुशी होती है जब मेरे और आपकी तरह एक कॉन्फिडेंट लौंडा जाके उस लड़की को अप्रोच करता है। और मैं सही बता रहा हूँ, जब से लौंडे ना अपने फोन के पीछे से लड़कियों को फोन के थ्रू अप्रोच करने लगे ना, लड़कियों को रियल लाइफ में कोई अप्रोच कर ही नहीं रहा है, और इसी चीज का फायदा आपको उठाना है क्योंकि अब जब ये चीज बिल्कुल भी नहीं होती और तब जब आप इस चीज का इस्तेमाल करते हैं ना, तो लड़कियां एक्चुअली आपको अप्रिशिएट करती हैं। और क्योंकि लड़कियों को अप्रोच करना इतना ज्यादा रेयर हो चुका है ना, कि अब जब आप लड़की को अप्रोच करने जाते हो तो उस लड़की को बहुत ज्यादा, एक तो देखो आप यूनिक लगते हो
और साथ ही साथ आपको वो लड़की बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग, कॉन्फिडेंट और बोल्ड समझती है, विच इज द डेफिनेशन ऑफ अ मैन। और देखो लड़कियां एक्चुअली ऐसे ही स्ट्रॉन्ग लड़कों से अट्रैक्ट होना, दे आर नेचुरली वायर्ड लाइक दिस। इस वजह से जब आप लड़कियों को अप्रोच करते हो ना, तो आप ऑटोमेटिकली 99% लड़कों से सीधा हट के खड़े हो जाते हो। और देखो भाई, मैंने भी अपने वीडियोस में बहुत बार बोला है कि लड़कियों के पास ऑप्शंस होते हैं, ऑप्शंस होते हैं, बट टू बी ऑनेस्ट मैं आपको सही बता रहा हूँ, लड़कियों के पास ऑप्शंस होते हैं लेकिन अच्छे ऑप्शंस नहीं होते हैं, क्योंकि उसके पास वही उसका घिसा पिटा मेल बेस्ट फ्रेंड है जो सालों से उसके पीछे पड़ा है, उसको उसकी फ्रीडम एंजॉय नहीं करने दे रहा है, और साथ ही साथ और उस लड़की ने उस लड़के को अपना बेस्ट फ्रेंड इसीलिए बना रखा है कि टाइम टू टाइम उसको वैलिडेशन देता रहता है, ताकि उसे महारानी की तरह फील होता रहे। हो सकता है उसके पास टिंडर, इंस्टाग्राम वगैरह पे लड़कों के ऑप्शंस हों, लेकिन वो कभी भी उनकी रिस्पेक्ट नहीं कर पा रही है, क्योंकि वो लौंडा एक्चुअली उस लड़की को कभी मर्द वाला पोर्ट्रेयल दे ही नहीं पाए, क्योंकि उन्होंने उस लड़की को फोन पे अप्रोच किया है। और बहुत सारी लड़कियां अपने चूतिया एक्स के चक्कर में आज भी पड़ी हुई है और मूव ऑन नहीं हो पा रही है, क्योंकि उन्हें कुछ नयापन मिल ही नहीं रहा है। तो इसीलिए उस लड़की को अप्रोच करना बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। मैं सही बता रहा हूँ, बहुत सारी लड़कियां एक्चुअली में थक गई हैं अपनी जिंदगी से, क्योंकि भाई हर इंसान उस लड़की को ऑलरेडी जानता है, सबके दिमाग में उसकी एक इमेज बनी हुई है, एक ऐसी इमेज जो शायद उस लड़की को खुद नहीं पसंद है कि लोग मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं। और बहुत सारी लड़कियां एक्चुअली ना एक नई लाइफ क्रिएट करना चाह रही हैं, लेकिन उसके लिए उनको एक एक्चुअली नाइस हाई वैल्यू मैन नहीं मिल रहा है। और क्योंकि एक्चुअली में बहुत सारी लड़कियां चाहती है कि वो अपनी इमेज दूसरों के मन में चेंज कर पाए, ताकि उनकी खुद की इमेज उनके मन में चेंज हो सके। वो लड़की एक्चुअली अपने दोस्तों को एक ऐसे लड़के से मिलवाना चाहती है जिसको वो नहीं जानते, एक ऐसे लड़के के बारे में अपनी दोस्तों से बात करना चाहती है जिस लड़के के बारे में उसकी दोस्तों को कुछ ना पता हो, ताकि वो आपके बारे में नई नई कहानियां बना सके और आपके बारे में बात कर सके। क्योंकि देखो अगर उसकी दोस्त आपको ऑलरेडी जानती होगी ना, तो उसको अपनी दोस्त से आपके बारे में बात करके कोई एक्साइटमेंट फील नहीं होगा, और लड़कियों को कहानियां ही चाहिए होती है। और एक और बात मैं आपको बता दूं, इस दुनिया में एक्चुअली बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं जो बिल्कुल आपकी तरह ना थोड़ा सा लोनली फील करती हैं, और ऐसा जरूरी नहीं है 30 साल 25 साल के बाद ही करती हैं, इट स्टार्ट्स एट अ वेरी यंग एज ऑल्सो, क्योंकि आजकल लोग रियल में नहीं मिल रहे, सब फोन पे ही चल रहा है। और हो सकता है वो लोनली ना हो, उसके पास ऑप्शंस हो, उसके पास लौंडे हो, लेकिन उस लड़की के पास आपकी तरह एक अन इमोशनल कॉन्फिडेंट लीडर नहीं है। उस लड़की के वीकेंड्स भाई सैटरडे संडे बिल्कुल बोरिंग हो चुके हैं, और वो भाई साहब नई डेट्स पे जाना चाहती है आपके साथ, नई नई जगहों पे। भाई लड़कियों का भी मन करता है कि सैटरडे नाइट को थोड़ा घूम ले, या संडे को लंच के लिए चली जाए, कोई लौंडा जाके मूवी दिखा दे, अरे कोई तो उन्हें डेट पे लेके जाए। और देखो एक चीज मैं आपको बिल्कुल साफ साफ बता देता हूँ कि लड़कियों को अप्रोच करने का काम एक्चुअली सिर्फ लौंडों का होता है, क्योंकि लड़कियों को अप्रोच करना एक कॉन्फिडेंस का खेल है, और लड़कियां बहुत ज्यादा इमोशनल होती है मेरे दोस्त, इसीलिए लड़कियां कभी भी रिजेक्शन को हैंडल नहीं कर सकती, इसीलिए ये काम लौंडों का होता है। और आप मेरे दोस्त जो चीजें इस वीडियो में सीख के जाओगे ना, और जब आप एक्चुअली बाहर जाके लड़कियों को अप्रोच करोगे, तो आप खुद देखोगे 10 में से 5 लड़कियां एक्चुअली आपसे बहुत अच्छे से बात करेंगी, अपना नंबर देंगी, और आपके मन में लड़कियों को लेके जो इमेज है ना, वो इमेज बिल्कुल चेंज होने वाली है, क्योंकि आप खुद हैरान हो जाएंगे कि कितनी आसानी से ये लड़कियां एक्चुअली आप जैसे लौंडे को एक अपॉर्चुनिटी देती है अपनी लाइफ में इनवाइट करने का। और भाई देखो मेरे हिसाब से लड़कियों को अप्रोच करना आना एक खुद में ही एक सुपर पावर और एक एबिलिटी की तरह है, एक ऐसी एबिलिटी जो आपको ऑटोमेटिकली 90% लौंडो से बेटर बना देती है। और ये एबिलिटी इतनी ज्यादा बेनिफिशियल है एक पर्पस ड्रिवन आदमी के लिए, जिसको भाई साहब लौंडियाबाजी करने का टाइम नहीं मिलता है, नेटवर्किंग नहीं कर पाता है, बहुत ज्यादा सोशलाइज नेटवर्किंग नहीं कर सकता है, एक ही लड़की पे बहुत ज्यादा टाइम लगा के भाई साहब ये सब हरकतें नहीं कर पाता, और उनको भाई गर्लफ्रेंड चाहिए होती है, तो उन लड़कों के लिए तो ये बेस्ट दवा है। और मैं सही बता रहा हूँ, लड़कियों को अप्रोच करना जब एक्चुअली मैंने सीखा, धीरे धीरे इसमें मैंने मास्टर किया ना, तो भाई मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, तब मैं एक्चुअली लड़कियों पे ना ध्यान दे के महीनों के लिए बिना किसी लड़की से इंटरेक्ट करके आराम से अपने काम पे एक संतुष्ट आदमी की तरह फोकस कर पाया। अकेलेपन में मुझे पीस मिल गया बिना लोनली फील किए, क्योंकि मुझे पता है मैं कल बाहर जाऊंगा और कल मैं किसी भी लड़की को अप्रोच करके उसके साथ एक जेन्युइन रिलेशन बिल्ड सकता हूं। और अनजान लड़कियों से बात करना आना आपको ना एक बहुत ही ज्यादा अबंडेंट माइंडसेट में डाल देता है,
एक ऐसा माइंडसेट जहां पे आप कभी भी किसी भी लड़की के लिए डेस्परेट या बिल्कुल भी नीडी नहीं होते, और यही चीज है जो आपको उस लड़की के लिए अट्रैक्टिव बनाती है। और मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, लड़कियां जब आपको रिजेक्ट कर देती हैं या आपको इग्नोर करने लगती है ना, तो भाई मैं सही बता रहा हूँ, आपको फर्क तक नहीं पड़ता। क्योंकि मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, कई बार तो आप ही भूल जाओगे कि आपको किसी लड़की को रिप्लाई करना है या आपको कॉन्वर्जेशन बनाना है। भाई देखो मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मेरे पास कितनी सारी लड़कियों के नंबर वगैरह लिए हुए हैं जिनको मैंने घर पहुंच के खुद ही कभी मैसेज किया ही नहीं, सही बता रहा हूँ, जिसकी वजह से मेरी प्रोडक्टिविटी ऑटोमेटिकली हाई हो गई। भाई अब भाई देखो, ये लड़कियों से बात करने का वरदान मैं आपको केवल इसीलिए नहीं देना चाहता हूँ ताकि आपको भाई ले दे के किसी तरह सेक्स मिल जाए, नहीं, मेरा ऑब्जेक्टिव ये नहीं है। क्योंकि मुझे पता है आप में से जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं उनमें से 10% लौंडे एक्चुअली जब बाहर जाके लड़की को अप्रोच करेंगे ना, और जब वो सक्सेसफुल होंगे तो उन्हें फील होगा कि भाई साहब वो खुद में ही एक्चुअली कितने कॉन्फिडेंट हैं। आपके अंदर एक एटीट्यूड आ जाएगा कि आपको जो चाहिए वो आप लेके रहते हो, अपने डर के परे जाते हो, और अपनी लाइफ में ना डर और रिजेक्शन को साइड में रखे ना और बड़े गोल सेट कर पाते हो। क्योंकि रिजेक्शन से आने वाला पेन, फेलियर से आने वाला पेन, इन सब दर्दों के लिए ना आप बिल्कुल डिसेंसिटाइज्ड हो जाते हो, बिल्कुल नंब हो जाते हो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसकी वजह से आप खुद अपनी लाइफ में ना बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिस्टिक बन जाते हो, जिसकी वजह से आपका एटीट्यूड, आपका माइंडसेट सब बिल्कुल चेंज हो जाएगा। और सबसे बड़ी ब्लेसिंग जो आपकी लाइफ में आ जाएगी वो पता है क्या है, जो मैं एक्चुअली चाहता हूं आपके साथ हो, आपका मेरे दोस्त जो एडिक्शन है ना पॉर्न का हो या भले ही इंस्टाग्राम बार बार खोल के सुंदर सुंदर मोहतरमाओं को देखने का, ये जो एडिक्शन है ना इससे आप छुटकारा पा लोगे, आपके ब्रेन को समझ में आ जाएगा कि ये चीजें एक्चुअली तुच्छ हैं, और साथ ही साथ आप में से बहुत सारे लड़के मूव ऑन हो सकते हैं। और यही नहीं, आप लोग एक्चुअली लड़कियों को इंसानों की तरह ट्रीट करना सीख जाओगे, ना ही उन्हें पेडेस्टलाइज करोगे अपनी लाइफ में कि भाई साहब लड़की मतलब तो ये होता है, ये माइंडसेट से आप बाहर आ जाओगे। क्योंकि ना भाई सबकॉन्शियसली आपका जो माइंड है ना वो बार बार आपको इंट्रीग करता है, बार बार आपको फोर्स करता है कि भाई अपना फोन उठाओ, सोशल मीडिया खोलो और देखना कोई एक ऐसी नई सुंदर लड़की मिलेगी, जो आपका इमेजिनेशन का भाई पूरी तरह से पूरा एक मार्केट बना लेते हैं सोशल मीडिया, आपको केवल एडिक्टेड रख के। और लास्ट में आपको सिंपली ये चीज समझ में आ जाएगी कि लुक्स रियली डोंट मैटर, योर हाइजीन, योर क्लीनलीनेस, योर फिटनेस इज द ओनली थिंग दैट मे मैटर। क्योंकि जैसे आप अपनी औकात के बाहर की लड़कियों से बात करना सीख जाओगे, उनको पटाना सीख जाओगे ना, द सेम वे आपको ये चीज समझ में आ जाएगी कि यू एक्चुअली डिजर्व एवरीथिंग दैट यू वॉन्ट इन योर लाइफ। कोई भी चीज, आपका कोई भी सपना आपको नामुमकिन नहीं लगेगा, क्योंकि आप बहुत ज्यादा पेन पॉजिटिव हो जाओगे। पेन पॉजिटिव मतलब आपके माइंडसेट ऐसा बन जाएगा कि जहां पे पेन है वहां पे ग्रोथ है, समझे। और भाई मैं आपको सही बता रहा हूं, लड़कियों को अप्रोच करने के लिए आपका जो सबसे बड़ा दुश्मन है ना वो भाई साहब आपकी खुद की सोच और आपका खुद का दिमाग है। अब इसमें आपकी भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि नेचुरली आदमियों को ना एक टेंडेंसी है कि भाई उन्हें हमेशा लगेगा कि दे आर लोअर देन विमेन, दे डोंट डिजर्व अ विमेन। आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली आपको ऐसी बकचोदियां देने लगेगा कि भाई ये लड़की तो तुझसे नफरत करेगी, या इस लड़की के साथ जो इसकी दोस्त खड़ी है भाई साहब वो तो तुम्हें शू शू करके निकाल देंगी। आपका दिमाग बोलेगा कि क्यों जा रहा है बकचोदी करने, अपना मजाक उड़वा के आ जाएगा, क्या फायदा बेइज्जती का। कोई बात नहीं, लड़की को अप्रोच मत कर, आना घर पे चुपचाप मुट्ठी पेल के सो जाना। क्योंकि देखो मेरे दोस्त, आपका जो दिमाग है ना वो आपको अपनी जिंदगी में कभी भी जीतने नहीं देगा, क्योंकि आपका दिमाग का काम है आपको फेलियर और रिजेक्शन से बचाना, जिस वजह से ये हमेशा ना भाई रिस्क की संभावनाओं को कैलकुलेट करता रहता है, आपके डर आपके सामने बार बार प्रकट करने लगता है। इसीलिए जो सबसे पहली प्रॉब्लम आपको सॉल्व करनी है वो ये है कि जब आप लड़की को अप्रोच करने जा रहे हो ना, तो अपनी थिंकिंग, अपने दिमाग, अपने लॉजिकल ब्रेन से बाहर आ जाओ, और अपनी बॉडी, करंट सिचुएशन और फिजिकल वर्ल्ड में बाहर आओ, अपने ब्रेन से बाहर निकलो। क्योंकि आपका दिमाग हमेशा ना आपको बार बार वही नेगेटिव शिट बार बार रियलाइज कराएगा, और आपके माइंड में एक सेल्फ डाउट क्रिएट करता जाएगा ताकि आप इस सिचुएशन को अवॉइड करो। और कहीं ना कहीं मैं आपको एक चीज बिल्कुल फ्रैंकली बता रहा हूं, जब लड़कियों को भी पता होता है कि आपके अंदर ये सब चीजें हुई फिर भी आपने उस लड़की को अप्रोच किया, दैट इज व्हाई दैट गर्ल फाइंड्स यू वेरी स्ट्रांग। अब आगे सुनो, आपको अपने ब्रेन, थिंकिंग, माइंड सबको एस्केप करके ना सीधा अपनी बॉडी में आना है और अपने मैनली इंस्टिंक्ट्स को फॉलो करना है। ये बिल्कुल वही इंस्टिंक्ट्स हैं जो लड़ाई के दौरान भाई आपके हाथ पैर चढ़ा देते हैं। भाई लड़की से जाके लड़ाई नहीं करनी है, बट ये चीज आपको करेक्ट सिचुएशन में करेक्ट तरह से कैसे रिस्पॉन्ड, रिएक्ट करना है, ये अपने आप आपको गाइड करते हैं।
और ये चीजें समय के साथ इंप्रूव होती है मेरे दोस्त। और भाई देखो, मेरा तो एक सिंपल मान्यता है कि अगर आप एक ऐसे लौंडे हो जिसने एक्चुअली खुद पे काम किया है या खुद पे काम करता है, तो आपके अंदर से ही ना एक ऐसे सेंसेस रहते हैं दैट यू आर वर्दी ऑफ गेटिंग गर्ल्स, यू डिजर्व देम। और मेहनत करके आपकी जब ये सबकॉन्शियस थिंकिंग बनती है ना, तब आप एक्चुअली लड़कियों के सामने भी वर्दी तरह से एक्ट करते हो, दैट यू डिजर्व हर। और मुझे तो ये नहीं समझ में आता है कि आप बेसिक नेचुरल साइंस क्यों भूल जाते हो भाई, कि आप मेरे दोस्त एक मर्द हो, ये मेरे दोस्त एक लड़की है, और ये अट्रैक्शन तो होना ही है। तो भाई इस बायोलॉजी, इस सेक्सुअल केमिस्ट्री को थोड़ा इस पे विश्वास रखो। और फिर से यही बात बोलूंगा कि अगर आप एक मेहनती लौंडे हो तो भाई आपके अंदर ऑटोमेटिकली एक कॉन्फिडेंस रहता है, आप ऑटोमेटिकली इस तरह से बिहेव करने लगते हो कि वो लड़की आपके अंदर इंटरेस्टेड है या वो लड़की आपसे अट्रैक्टेड है, क्योंकि आप कुछ हो। इसीलिए मैंने जब वोट लिए थे ना कि पहले कौन सा वीडियो डालूं, लड़कियों को अप्रोच करना है या हाउ टू बी मोर मैस्कुलिन, आप सबने हाउ टू अप्रोच गर्ल्स डाला, लेकिन मुझे एक चीज समझ में आ गई कि इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि लौंडो को पर्पस ड्रिवन मैस्कुलिन मैन बनाओ, ताकि ये वीडियो उन्हें तब समझ में आए। इसीलिए देखो, हम सब इंसान है, हम सबको कंपेनियंस की जरूरत है। और सबसे बड़ी जो आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग है वो पता है क्या है मेरे दोस्त, कि आप सोचते हो कि अगर मैंने किसी लड़की को अप्रोच कर दिया, इसका मतलब आपने पूरी तरह से उस लड़की को अपने सामने ना बिल्कुल पेश कर दिया, आओ मैं तो तुम्हारा हो चुका हूं। ऐसा नहीं होता है। और क्योंकि आपका माइंडसेट ऐसा है, इसीलिए अगर कोई लड़की आपको नो बोल देती है ना, तो भाई साहब आप चले जाते हो डिप्रेशन में, आपको आ जाता है अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की कमी, आपको महसूस होने लगती है कि मेरी तो सेल्फ रिस्पेक्ट गिर गई, आप खुद पे मेरे दोस्त डाउट करने लगते हो, क्योंकि पिक्चरों से देख के भाई आपने ये सीखा है कि लड़की को अप्रोच करने का मतलब है कि आपने उसे पूरी तरह से अपना वैलिडेशन दे चुके हो। और आपकी बिल्कुल इसी थिंकिंग की वजह से आपको रिजेक्शंस हर्ट करते हैं, क्योंकि आपको ऐसा लगने लगता है कि मैंने तो लड़की को ऑलरेडी अपने से ऊपर रख दिया था, फिर भी इसने मेरी कदर नहीं की, यार ये तो बहुत बुरा हुआ। और अब मेरे दोस्त दूसरा प्रॉब्लम आ जाता है, जहां पे मेजॉरिटी लौंडो को लगता है कि लड़कियों को ना भाई कोई एक परफेक्ट लाइन बोलनी होती है, एक सही समय पे सही जगह अगर आपका तीर निशाना पकड़ लिया, इसका मतलब लड़की आपकी। और मेरे हिसाब से जब आप कोई भी लाइने शाइने प्रिपेयर करके जाते हो ना, तो ये चीज आपके ब्रेन को ना बिल्कुल फॉग कर देती है, आपकी सोचने की जो एबिलिटी होती है ना, इसको बिल्कुल खत्म कर देती है, क्योंकि आप तो लगता है अरे इसने ये बोल दिया अब मैं क्या बोलूंगा, आप सिंपली रिजेक्शन के डर से और ज्यादा रिजेक्ट होके आते हो। और आपका जो यही रिजेक्शन का डर है ना, ये आपके कॉन्फिडेंस को ओवरपावर कर देता है, उसको खत्म कर देता है। तो आप लोग जो ऐसा सोच के जाते हो ना भाई, बस लड़की बिल्कुल वही चीज बोल दे जो मैं सोच रहा हूं और इंट्रैक्शन बिल्कुल स्मूथ हो जाए, भाई फिर तो अपनी बात पक्की, ये चीज मत ढूंढो मेरे दोस्त। मैं सही बता रहा हूं, मेरा जब भी लड़कियों के साथ बहुत स्मूथ इंट्रैक्शन हुआ है ना, मुझे एक्चुअली बहुत ज्यादा रिजल्ट्स नहीं आया वहां पे, क्योंकि बहुत सारी लड़कियां हाँ चल नंबर ले भाग भोसड़ी के, ऐसा माइंडसेट होता है। इसीलिए स्मूथ इंट्रैक्शंस के ना बहुत ज्यादा पीछे मत भागो, मिले बहुत अच्छी बात है, लेकिन उनके लिए प्रार्थना मत करो कि यू नो भाई बिल्कुल सही साठ बात हो जानी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। और रिजेक्शन के डर से सही लड़की हो, सही जगह खड़ी हो, इन इतने ही दो लड़कियां हो, एक लड़की अकेली मिल जाए तभी सही समय होगा, तब जाके मैं अप्रोच करूंगा, ये सब चीजें मत देखो भाई। You are a man, you are a leader, you lead the interaction, so you just go and approach the girl. देखो, you are a purpose driven man. आपको सोचना है that you are higher than her. आप उस लड़की से better हो. You are the prize. Because you work hard in your life. आपकी जो यही खुद की आइडेंटिटी है ना मेरे दोस्त, आपको रीप्रोग्राम करनी पड़ेगी। इसे रीप्रोग्राम करने के लिए आपको अपनी जिंदगी में मेहनत करनी पड़ेगी। इस मिसकंसेप्शन से आप बिल्कुल दूर चले जाओ कि काम करने वाले लड़के लौंडियाबाजी नहीं करते। इससे तो भाई मेरे हिसाब से अगर मुझे देख रहे हो तो मैं सजेस्ट करूंगा थोड़ा सा दूर हो जाओ, क्योंकि ये चीज आपको समय के साथ लोनली और डेस्परेट मेरे हिसाब से भाई बना देती है। मैं बिल्कुल गलत हूँ यहाँ पे शायद। और बार बार मेहनत करो, ये चीज मैं इसीलिए बोलता हूँ क्योंकि अगर आपने खुद पे काम किया होगा, अपने अंदर वैल्यू बिल्ड की होगी ना, तो मैं सही बता रहा हूँ, अगर कोई लड़की आपको रिजेक्ट भी करती है ना, तो आपके माइंड में हमेशा पहली चीज क्या आती है, ओ माई गॉड इस लड़की ने तो भाई शी हैज रिजेक्टेड अ ट्रॉफी, समझ रहे हो, दिस गर्ल हैज एक्चुअली सेड नो, इस लड़की ने एक्चुअली एक हाई वैल्यू पर्पस ड्रिवन मैन को नो बोला है, तो इसमें मेरा कोई लॉस नहीं है, इसमें उस लड़की का ही लॉस है। और यही थिंकिंग आपको रिजेक्शन के डर से बाहर निकालती है। और मैं सही बता रहा हूँ, अच्छा हुआ आपका ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट हुआ, सीधा लड़की ने ना वा बोल के यू नो आपसे बात नहीं की, क्योंकि भाई कई सारी लड़कियां आपको, आप इतने अच्छे दिखते हो भाई, इतने सक्सेसफुल होने वाले हो, ये लड़कियां आपका समय आपका पैसा सब चूसने से अच्छा इतने शॉर्ट में आपका कॉन्वर्सेशन निपट गया ना, आप मेरे हिसाब से बचे हो, बाकी आपकी थिंकिंग है। और लेकिन अब आगे सुनो, आपको ना बहुत ज्यादा रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं बनना है कि हमें लड़की को पटाना ही पटाना है, इस थिंकिंग से भी बाहर आ जाओ। आप जितना ज्यादा रिजल्ट्स को एक्सपेक्ट करोगे, सक्सेस को एक्सेप्ट करोगे, स्पेशली लड़कियों के साथ, आप उतने ही फेल होगे,
क्योंकि बिलीव मी आपको रिजल्ट्स लड़कियों के साथ तब मिलते हैं जब व्हेन यू एक्चुअली डोंट गिव अ फक, और ये चीज आपके एटीट्यूड में नजर आती है दैट यू रियली डोंट केयर व्हाट दैट गर्ल सेज। इसी से लड़कियां पटती हैं मेरे दोस्त, अभी आगे और बताऊंगा तुमको। तो इसीलिए बार बार बोल रहा हूं, अपने आप को बिजी रखो, अपनी जिंदगी में काम रखो ताकि आपको कोई फर्क ना पड़े, क्योंकि आप जिस चीज से सबसे ज्यादा प्यार करते हो, आपका पर्पस, आपका एम, आपकी मेहनत, आपके पास वो चीज है, तो यू हैव नॉट रियली लॉस्ट एनीथिंग, आपका कोई लॉस नहीं हुआ है। ये चीजें मैं आपको इसीलिए बता रहा हूं ताकि अगर लड़की आपको रिजेक्ट कर देना तो आपके माइंड में सही तरह के विचार आए, ताकि आप डिमोटिवेटेड ना हो और अपनी लाइफ में भी तरक्की करो ऑब्वियसली। अब हम आ जाते हैं आखिरी प्रॉब्लम में, उसके बाद सिर्फ सल्यूशन ही सल्यूशन है, ठीक है। और लास्ट प्रॉब्लम ये है मेरे दोस्त कि आप जो हो ना भाई, यू हैव नेवर अप्रोच्ड अ गर्ल लाइक अ मैन, लाइक अ एक्चुअल मैस्कुलिन मैन। आपने अभी तक जब भी लड़कियों को अप्रोच किया है ना, आपने हमेशा इस पर्सपेक्टिव से किया है कि मुझे इस लड़की को प्लीज करना है, इसकी ईगो को मसाज करनी है कि बहन प्लीज अपना नंबर दे दो। ये चीज नहीं करनी है, आपको इस एटीट्यूड से बाहर आना है और अपनी मैस्कुलिन एनर्जी का सहारा लेके उस लड़की के अंदर के बायोलॉजिकल इंस्टिंक्ट्स को ट्रिगर करना है। आपको बस उस लड़की को ना एक लड़की की तरह उस समय महसूस कराना है। अगर उसे अपने आप को प्रोटेक्ट करने की नीड फील होगी तो शी विल स्टार्ट बिहेविंग लाइक अ मैन। लेकिन अगर आप एक नॉन नीडी तरह से एक आदमी की तरह लड़की को अप्रोच करोगे ना, तो वो लड़की ऑटोमेटिकली अपने फेमिनिन में चली जाएगी। और जब आपकी अप्रोच बिल्कुल सही वाइब देती है ना, बिलीव मी, लड़की अपने कॉन्शियस माइंड को खो देती है और वो अपने सबकॉन्शियस माइंड से एक्टिवेट होने लगती है। वही हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो हमारे दिल की धड़कन को बीट कराता है, जो हमारी पलकें झपकाता है, ये चीजें जो हम करते नहीं है लेकिन हो जाती हैं। आपको लग रहा होगा कि ये बहनचोद क्या बोल रहा है, बट मैं आपको सही बता रहा हूं, आई एम टेलिंग यू द रियलिटी हाउ आई हैव सक्सीडेड। और इस चीज को करने के लिए आपका मैस्कुलिन चार्म इतना जरूरी है, क्योंकि ये चीज आपके कॉन्फिडेंस से आपके पर्सोना में ऑटोमेटिकली झलकने लगती है। और लड़की को एक मैस्कुलिन एनर्जी से अगर आप अप्रोच करना चाहते हो, इसका मतलब होता है दैट आपको उस लड़की के साथ स्ट्रेट फॉरवर्ड रहना है, आपको गेम नहीं खेलनी है। मैंने भी आपको बहुत बार सिखाया कि उस लड़की को पूछो, अच्छा यू आर फ्रॉम दिस स्कूल, यू आर फ्रॉम दैट स्कूल, ये सब चीजें एक बिगिनर लेवल पे यू नो चलती हैं, लेकिन मैं आपको स्ट्रेट टू द पॉइंट लेके आ रहा हूँ, इसीलिए ये थोड़ा ना एक लेवल अप टाइप का वीडियो है। इसीलिए उसके पहले मैंने आपकी थॉट प्रोसेस को ठीक से, आपकी लाइफ को एक तरफ ला के सेट करने के लिए ना ये मैस्कुलिन वाला वीडियो बनाया था। याद रखना, एक मैस्कुलिन, एक आदमी का काम होता है उसको जो चाहिए वो चीज प्रेजेंट करे, वो चीज कमांड करे, और फेमिनिन का काम एक्चुअली क्या होता है, उस कमांड को एक्सेप्ट करना। इसको प्लीज भाई मिसोजिनिस तरह से मत लेना, मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ कि फेमिनिन एनर्जी इज अ रिसीविंग एनर्जी, मैस्कुलिन एनर्जी इज अ एनर्जी जहां पे आप अपनी इच्छा को प्रकट करते हो बिकॉज यू आर स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, आप लड़की से बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाओ, आपके जो इंटेंशन है उनको क्लियर कर दो। बिलीव मी, स्टार्टिंग से ही ना आपके और लड़की के बीच में जो ऑकवर्डनेस क्रिएट होती है ना, कि ये मुझसे क्या लेने आया, या आप डर जाते हो कि ये कहीं डर तो नहीं गई है, ये सब जो रिएक्शन होते हैं, ये जो ऑकवर्डनेस होती है ना, जब आप अपने इंटेंशन को बिल्कुल सही तरह से लड़की के सामने रख देते हो ना, ये ऑकवर्डनेस खत्म हो जाती है, एंड देन इट इज अ प्लेन ग्राउंड ऑफ वॉर। वॉर मतलब ऑफ प्ले। और भाई मैं सही बता रहा हूं, लड़कियां थक गई हैं कि हजारों लौंडे उन्हें ना बस कुत्तों की तरह दूर से निहारते रहते हैं, पास में आके किसी भी, वो लड़के इतने क्रीपी, इतने सेक्सुअली डिप्राइव्ड दिखते हैं ना, कि उस लड़की को अप्रोच नहीं करेंगे, दूर से देखेंगे। देखो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि लड़कियां चाहती हैं आप उन्हें अप्रोच करो, इस चीज को बहुत ज्यादा आप गलत तरह से भी चाहे तो पोर्ट्रे कर सकते हैं, बट मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ कि लड़कियों को नफरत है उन लड़कों से जो उन्हें घूर के देखें और लेजिट अप्रोच ना करें। मतलब औकात होनी चाहिए अप्रोच करने की, जो मैं आपकी बनाने आया हूँ भाई, वो सेल्फ इमेज होनी चाहिए आपकी, ताकि आप जब उस लड़की को अप्रोच करो तो आप बहुत ज्यादा क्रीपी या परवर्ट ना लगो, परवर्ट। क्योंकि जब आप मेरे तरह से, जब आप एक मैनली तरह से उस लड़की को अप्रोच करोगे, इसका सिंपली मतलब ये नहीं है कि आपने उस लड़की को खूबसूरती के बेसिस पे सिंपली क्वालिफाई कर दिया, ना 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 ना। मैं कहीं ना कहीं आपको बता दूं, लड़कियों के सबकॉन्शियस माइंड में पता है क्या आता है, कि यार मैं तो इतनी सुंदर हूँ, या मैं तो एक लड़की हूँ, इस लड़के ने मुझसे बिना डरे मेरी खूबसूरती को साइड में रख के, इसने एक्चुअली मेरे से मिलने वाले रिजेक्शन से भी ना डर के मुझे अप्रोच किया है। इस वजह से आप एक ऐसी पोजीशन पे आ जाते हो जहां पे आपने उस लड़की को अप्रोच करने का मतलब है आपने उसको ऑलरेडी डिस्क्वालीफाई कर दिया है, बिकॉज यू कैन रिस्क अ रिजेक्शन फ्रॉम हर एंड यू रियली डोंट केयर वो लड़की आपके बारे में क्या सोचती है। ये ऐसी ऐसी चीजें हैं मेरे दोस्त, आप वीडियो को रिवाइंड कर करके देखो, लेकिन हर चीज आपके भेजे में घुसनी चाहिए, हर चीज इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बेसिकली जब भी लड़की को ऐसा लगता है ना कि आपने उसको उसकी खूबसूरती की वजह से क्वालिफाई नहीं किया, या उसकी खूबसूरती का जादू आपके ऊपर नहीं चलना, यू हैव दैट गर्ल ब्रो। राजा को भौंक लेने देते हैं थोड़ी देर।
क्योंकि याद रखना लड़की जितनी हॉट होती है ना उसके पास उतने ही कम ऑप्शंस होते हैं अपनी लाइफ में, सच बता रहा हूँ। मतलब कॉन्फिडेंट और ना डरपोक टाइप के लौंडे बहुत कम होते हैं जिन लड़कों को एक्चुअली फर्क नहीं पड़ता कि वो सुंदर लड़की उनके बारे में क्या सोचे। अब इससे पहले कि हमें लड़की को क्या बोलना है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको बिहेव कैसे करना है, आपको एक्ट कैसे करना है। तो भाई देखो, सबसे पहले तो आ जाती है आपकी बॉडी लैंग्वेज की बात। और अब मैं आपको झूठ नहीं बोलूंगा, जब आप स्टार्टिंग में लड़कियों को अप्रोच करोगे, उनसे उनका नंबर लोगे ना भाई, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, कई बार मेरा हाथ ऐसे कांपा है और मैंने उसको भाई कवर किया है, लेकिन स्टार्टिंग में आपकी बॉडी शिवर होगी क्योंकि यू आर सेंसिटिव टू सच सिचुएशंस। आप ऐसी सिचुएशंस में पहले कभी नहीं आए हो, इसीलिए आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा नर्वस स्टेट में है और आपको इस चीज़ को अपने कॉन्फिडेंस से कवर अप करनी है। और ये चीज़ धीरे 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 बहुत ज़्यादा कम होती चली जाती है, तो इस चीज़ से घबराना नहीं है। स्टार्टिंग में होगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अब भाई मैं तो कपकपाता हूँ, अब मैं नहीं करूँगा आज के बाद से, नहीं। इस चीज़ को ही आपको डिसेंसिटाइज करना है, इस सिचुएशंस के ही ना आपको यूज टू बनना है। और जब आप शिवर या आप फंबल कर रहे हो ना, तो इसका सबसे बेस्ट तरीका है दैट यू स्टार्ट टॉकिंग विद मोर काम। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप डरे हुए हो और ना ही आप इतने ज़्यादा एक्साइटमेंट और जोर जोर से बोल रहे हो, जल्दी जल्दी बोल रहे हो कि लड़की को लग रहा है कि आप नर्वस हो। इसीलिए आप अपने अंदर के डर को छुपाने के लिए ना कामली बात कर सकते हो, कामली बिहेव कर सकते हो, थोड़ा सा स्लोली एक्ट कर सकते हो, बहुत ज़्यादा जर्की नहीं बनोगे। आपको ऐसा दिखाना आना चाहिए कि आप एक्चुअली उस लड़की को यहाँ पे खुश करने के लिए नहीं आए हो। यू आर चिल, यू आर वेरी कॉन्फिडेंट। लेकिन हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको समझनी है कि लड़की को अप्रोच करने से पहले आपका मूड हमेशा बिल्कुल सही साट, बिल्कुल तरोताजा होना बहुत जरूरी है। और खैर, जब आपके पास अपनी लाइफ में अपना पर्पज होता है या आपको खुद को बिजी करना आता होता है, तो भाई देखो, आप हमेशा एक्चुअली अपने आप खुश रहते हो। लेकिन फिर भी ऐसे टाइम्स में जब मैं गेम के लिए बाहर जाता हूँ या इवनिंग में कभी बाहर जाता हूँ, तो भाई साहब मैं अपने फेवरेट रैप सॉन्ग्स पे भाई साहब थोड़ा बहुत रैप, थोड़ा बहुत जैम करके, अपना गला खोल के, यू नो, थोड़ा बहुत अपनी बॉडी को स्टिमुलेट करके जाता हूँ, अपने माइंड को स्टिमुलेट करके जाता हूँ, अपने आप को ना एक हैप्पी मूड में लेके जाता हूँ, क्योंकि वही वाइब मुझे हेल्प करती है लड़कियों के साथ सक्सेसफुल होने में। और एक चीज आपको सुन के थोड़ी अटपटी लगेगी, बट मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, जब आप लड़की को अप्रोच करने जाओ ना, यू थिंक दैट, मैं इतना महान नहीं हूँ बट मैं आपको फिर भी बता रहा हूँ, आप सोचो कि आप सार्थक गोयल हो, ठीक है, और आपको उस हिसाब से प्ले करना है। यू आर प्लेइंग, यू आर एक्टिंग लाइक सार्थक गोयल, यू आर नॉट बीइंग योरसेल्फ। तो जनरली ऐसे में मैं जब भी बाहर जाता हूँ तो मैं अपने आप को ना बहुत ज़्यादा स्टिमुलेटेड रखता हूँ। अगर मैं दिन में भी घूमता हूँ तो यू नो मॉल वॉल में जाऊँगा तो जबरदस्ती लोगों से बात करते रहूँगा, अपने आप को एक कोने में अपने डर के, अपने सोच के साए में नहीं घिरूंगा। मैं क्लब में भी जाऊँगा तो वहाँ पर बाउंसर्स वगैरह से बात करता रहूँगा, वेटर से बात करता रहूँगा, अनजान लड़कों को कॉम्प्लीमेंट करूँगा, थोड़ा थोड़ा ना अपने आप को कंटिन्यूसली वार्म्ड अप रखूँगा, लड़कियों को सिर्फ कॉम्प्लीमेंट दूंगा, उसके बाद डीप कॉन्वर्सेशंस की तरफ आगे बढ़ूंगा। खैर, अब तो इतना करने की जरूरत नहीं पड़ती है, बट जो लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए मैं ये चीज बता रहा हूं। अब हो सकते हैं थोड़े से ऐसे वीडियोस देख के चले जाओ जहां पे आप देखते हो कि भाई लड़कियों से बात कर रहे हो और लड़कियां हां बोल रही हैं, तो ये चीज भी आपका मॉरल बूस्ट करती है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि भाई देखो, आपको ना नर्वस रह के ना उस कॉन्वर्सेशन से जल्दी जल्दी नंबर लेके बाहर निकलने की हौच-पौच में नहीं होने चाहिए। मैं बहुत पहले बहुत ज्यादा ये गलती करता था कि मैं जैसे तैसे बात कर ली, मुझे बस जल्दी से जल्दी लड़की के साथ ये कॉन्वर्सेशन खत्म करना है, उसका नंबर लो और भागो। ये गलती मैंने सबसे ज्यादा की है मेरे दोस्त। और जब मेरे दिमाग में इतनी जल्दबाजी रहती थी ना, तो मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड या बहुत ज्यादा नर्वस लगने लगता था। और जब आप ऐसे दिखते हो ना, तो लड़कियों को लगने लगता है अरे इसको तो मुझे खोने से डर लगता है, एंड बिलीव मी वहीं पे पूरा अट्रैक्शन खत्म हो जाता है। क्योंकि जब आप ऐसे दिखते हो ना, तो लड़की को फील हो जाता है कि मैं ही महारानी हूं, आई एम द प्राइस, जो कि आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, अदरवाइज आपकी सक्सेस के रेट कम हो जाएंगे। ये चीजें आपको प्रैक्टिस से आएगी, लेकिन अभी आप आगे सुनो। अब हो गई हमारी बॉडी लैंग्वेज और बात कैसे करना है, अपने आपको काम और कूल कैसे रखना है। अब हम लोग आ जाते हैं कि आपको किस तरह की लड़कियां मिलेंगी। आपको बेसिकली दो तरह की लड़कियां मिलेंगी, एक को हम बोलते हैं इजी पिक, एक को हम बोलते हैं हार्ड पिक। इजी पिक बेसिकली वो लड़कियां होती हैं जो आपको देख रही होती हैं, आप उनको पकड़ लेते हो, बार बार आई कॉन्टैक्ट हो रहा है, इनको हम लोग बोलते हैं इजी पिक। क्योंकि ये लड़कियां ना मेरे दोस्त आपको ग्रीन सिग्नल्स देती हैं, आओ मुझसे बात करो। और बहुत सारी शर्मीली लड़कियां होती हैं जो आपको क्लियर सिग्नल्स नहीं दे पाती हैं, तो अगर आपको एक दो बार भी सिग्नल आ गया ना, सो जस्ट गो फॉर द अप्रोच, मतलब आप उस लड़की को सिंपली अप्रोच करो। याद रखो, लड़कियां बिना वजह आपको कभी नहीं देखती हैं, तो अपने अंदर दम रखो जो सोच रहे हो ना, उस थॉट को, उस थिंकिंग को ना भाई रियल में क्रिएट करने की। क्योंकि अगर आप नहीं करोगे ना, तो मैं सही बता रहा हूं, जो लड़की आपको बार बार बहुत दिन से एक दो बार देखती है और जब आप उसको अप्रोच करने नहीं आते हो ना, तो उसको रीजन मिल जाता है कि भैंचोद ये लौंडा तो चूतिया है,
क्योंकि जब मैं इसको इतने क्लियर सिग्नल दे रही हूँ या फिर भी मुझे अप्रोच करने नहीं आ पा रहा, इसके पास कॉन्फिडेंस क्या घंटा होगा? इसका मतलब इसके पास भाई जिंदगी में कोई लड़की होगी नहीं, और अगर मैं इससे पट भी जाऊंगी ना तो ये लड़का मेरे लिए बहुत ज्यादा डेस्परेट होगा। ये गलती इंडिया में 90% लौंडे करते हैं। तो भाई अगर कोई लड़की तुम्हें देख वेख रही है तो सिंपली जाके उसे अप्रोच करो। अभी मैं आऊंगा कि उन्हें बोलना भी क्या है, बट जस्ट गो फॉर दी अप्रोच मैन। मैं सही बता रहा हूँ, जब भी मुझे डर लगता है मैं किसी सुंदर लड़की को देखता हूँ तो मैं बेसिकली अपनी थिंकिंग प्रोसेस ये रखता हूँ कि भाई देखो मेरी मर्दानगी इस कंफर्ट जोन के बाहर है, इस डर के परे मेरी खुशी छुपी है, तो वो लड़की ना सही लेकिन मुझे वो सेटिस्फैक्शन और वो खुशी अपने आप को देनी है, तो मैं बात करता ही करता हूँ। मतलब आई स्टिल रिमेम्बर एक बार एक लड़की ना मुझे देख रही थी, कभी नहीं देख रही थी। मैं सही बता रहा हूँ आपको, ये चीज़ शायद बहुत ज़्यादा बोल्ड लगेगी बट मुझे देखो भाई बहुत आसानी से इन चीज़ों को कैरी करना आता है बिकॉज मैंने एक्सपीरियंस की है, और मैं ये चीज़ एक्सपीरियंस होने के बाद नहीं, जब मुझे एक्सपीरियंस था, मैं तब भी जैसे तैसे गांड फटी में भाई इस्तेमाल कर लेता था। मैं सिंपली उस लड़की को बोलता था व्हाट आर यू लुकिंग एट, और वो कॉन्वर्जेशन से तो लड़की ऑब्वियसली बोलेगी नहीं नहीं मैं थोड़ी ना देख रही थी, तो यू जस्ट गो फॉर इट कि ओके एनीवेज व्हाट्स योर नेम, आई वाज प्लेइंग। तो यू नो यू स्टार्ट गेटिंग इनटू दैट वाइब। आपको बस वो आइस ब्रेकर तोड़ना है कि भाई पहला सेंटेंस आपने उस लड़की को बोल दिया। और जब बात रहती है जो लड़की आपको कोई भी सिग्नल नहीं दे रही है या उस लड़की को पता भी नहीं है कि आप जिंदा हो और आप इस दुनिया में रहते हो, वो लड़कियां मेरे हिसाब से अप्रोच करने के लिए देखो मेरे को ज्यादा चैलेंजिंग वही लगता है और ज्यादा मजा भी उसी में है, जहां पे बिल्कुल आपकी गांड फट के तहस नहस हो चुकी होती है लेकिन फिर भी आप अपने अंदर गूदा ला के वो अचीव करते हो। ब्रो आई लव दैट फीलिंग एंड इट इज वेरी एडिक्टिव। यू नो जब आपको ना एक आदत पड़ जाती है कि कैसे आप डर को सिंपली हैप्पीनेस में, भाई साहब जिंदगी में सस्ते नशे गत्ता फूकने से अच्छा ये सब करो ब्रो, लाइफ स्किल्स भी डेवलप होते हैं। जब उन लड़कियों के साथ आप बात करने जाते हो एक अनसर्टेनिटी रहती है कि भाई पता नहीं लड़की क्या बोल देगी, एक ऐसे कोई कुछ भी हो सकता है, एक अनप्रेडिक्टेबिलिटी रहती है, हर चीज की पॉसिबिलिटी रहती है, तो वो यू नो यू स्टार्ट एंजॉयिंग एवरी पार्ट ऑफ द गेम। एंड बिलीव मी आपको केवल अपने सोशल कैलिब्रेशन पे काम करना आना चाहिए। यू नो लोगों के साथ स्मूथ कैसे रहना है, किसी के भी साथ कॉन्वर्जेशन कैसे स्टार्ट करना है, ये चीजें आपको मास्टर हो जानी चाहिए अभी तक। और ये चीज इतनी आसान है ना सीखने के लिए, और आपको ये पूरी जिंदगी भी नहीं करना है भाई, अपनी जिंदगी का एक महीना दे दिया या तीन महीने दे दिया, दैट्स ऑल, यू विल बी अ मास्टर एनीवेज। इसीलिए अननोन लोगों से बात करो, और देखो लड़कियां भी लोगों में आती है, तो अगर आपको लोगों से बात करने की आदत हो जाती है तो आपके जो कॉन्वर्जेशन स्किल्स होते हैं ना अप्रोच करने के, वो बहुत ज्यादा नेचुरल लगने लगते हैं, जिसकी वजह से आप सही वाइब सही टाइम पे सही तरह से रिप्लाई दे पाते हो, और जो चीज आपको इंस्टेंटली और ज्यादा अट्रैक्टिव बनाती है अनजान लड़कियों के सामने, क्योंकि उसे समझ में आ जाता है कि ये कल का खेला खिलाड़ी नहीं है, ये जड़ीला आदमी है। और एक सिंपल चीज बता रहा हूँ, वो सब रीले तो आप देख ही रहे हो ना आजकल, जहाँ पे यू नो लड़कियां बोलती हैं कि हमें तो भाई एक वर्जिन चूतिया नहीं चाहिए, वी वॉन्ट नॉट फक बॉय, वी लड़कियों को प्ले बॉयज बैड बॉयज फक बॉयज खुद लड़कियों ने बोला, ये चीज़ मैं नहीं बोला। तो भाई लड़कियां चाहती हैं उनकी जिंदगी में बहन कोई हरामी लौंडा आए, और वो हरामी लौंडे ऐसे ही आते हैं और तुम्हारी चिड़ैया उड़ा के लेके जाते हैं। तो देखो भाई इफ़ यू आर अ मैन देन द वर्ल्ड इज योर्स, आप जिससे चाहो उससे बात कर सकते हो, जो चाहो वो बात कर सकते हो, बिकॉज मेन आर लीडर्स एंड मेन लीड द इंटरेक्शंस ऑल्सो, और ये चीज़ बहुत नॉर्मल है। अब हम आ जाते हैं उस स्क्रिप्ट पे जो मैं आपको देना चाहता हूँ, और वो सिंपल सी स्क्रिप्ट है हाय, दैट्स ऑल ब्रो। मैं सही बता रहा हूँ, आपको सिर्फ लड़की को जाके हाय बोलना होता है, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको एक लल्लू चप्पू चूतिया नहीं बनाना चाहता हूँ जो बस दो चार चूतिया शब्द बोल के ना लड़की को जैसे तैसे ना उस समय बात करके निकल जाए। मैं नहीं चाहता कि आप वो बनो, मैं चाहता हूँ आपके जो इनर इंस्टिंक्ट्स हैं, जो कॉन्वर्जेशन बिल्ड करने के स्किल्स हैं, वो अपने आप डेवलप हो। मैं सही बता रहा हूँ, मैंने आज तक बहुत कम केसेस में ना ये डिसाइड करके बात स्टार्ट किया है कि मैं लड़की को क्या बोलूँ। मैं सही बता रहा हूँ, आई जस्ट गो एंड आई ओपन अप विद अ हाय। मैं आपको वो करके दिखाऊंगा अभी एक बार, आप उसके ऊपर हंस भी लेना, बट इट वर्क्स। लेकिन मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, आप जितने ज्यादा अनप्रिपेयर्ड होगे, आप जितना ज्यादा कम प्लान करके आओगे, उतना ही ज्यादा आप ऑनेस्ट लगोगे, एंड ऑनेस्टी बिल्ड्स ट्रस्ट। आप भले ही सही चीजें बोलो या कुछ गलत बोल जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, फायदा आप ही का है, या तो आप सीखोगे या तो आपको कुछ मिलेगा। मैं चाहता हूँ आप अपने उस सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करो, जो अपने आप आपके मुंह से ऐसी चीजें निकालेगा जो सही टाइम पे सही होती है, क्योंकि मैंने भी इन चीजों को ऐसे ही बिल्ड किया है। मैं कभी भी उन चूतिया पिकअप लाइन के चक्कर में, भाई मैंने आज तक किसी भी लड़की को पिकअप लाइन नहीं मारी है, मैं सही बता रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। अब क्योंकि आप यहां तक आ गए हो, तो मैं आपको एक बार एक इंटरेक्शन
करके दिखाता हूँ। लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं, ये जो आपने स्टार्टिंग में क्लिप्स देखी थी, कहीं कहीं बीच में देखी थी ना, ये क्लिप्स मैं अभी आपको कभी कभार अपने टेलीग्राम चैनल पे बता दूंगा, कैसे इनको प्रॉपरली ब्रेक डाउन करके समझा के पूरा कॉन्वर्जेशन बताऊंगा। या मेरा एक दूसरा चैनल है आस्क सार्थक गोयल, वहां पे भी ना मैं प्रॉपर क्लिप के साथ आपको डिटेल में एक एक इंटरेक्शन में क्या मैंने कब बोला कैसे बोला, तो आपको और ज्यादा क्लियर हो, वो भी आपको मिल जाएंगे। तो दोनों चीजों को सब्सक्राइब कर लेना। अब आगे आप सुन लीजिए, आई जस्ट डू दिस, हे, एक मिनट के लिए पॉज लेता हूं सो दैट लड़की भी अपने रिफ्लेक्सेस में आ जाए। अगर आप तुरंत ऐसे जंप करोगे ना, हे माय नेम इज सार्थक, तो लड़की को दिमाग पहले इस चीज में चला जाता है कि ये क्यों बता रहा है मुझे अपना नाम, क्या हुआ वो, शी स्टार्ट्स लुकिंग हेयर एंड देयर। इसीलिए यू फर्स्ट से हे एंड देन यू से माय नेम इज सार्थक। स्टार्टिंग में थोड़ी स्माइल रहेगी हे के वक्त, माय नेम इज सार्थक में मैं जनरली अपनी स्माइल हटा देता हूँ, आई थोड़ा सा एक ग्रिन रहती है मेरे चेहरे पे लाइक दिस, थोड़ा फनी लग रहा है बट दिस इज व्हाट वर्क्स फॉर मी। एंड देन मैं अपना हाथ आगे बढ़ाता हूँ एंड आई सिंपली आस्क हर व्हाट्स योर नेम, और मेरी टोन कैसी रहती है, मैं माइक थोड़ा दूर रहता है इसीलिए मुझे थोड़ा जोर से बोलना पड़ता है, बट मैं आपको थोड़ा माइक पास में ला के बता देता हूँ कि मेरी टोनालिटी कैसी होती है। अभी तो वैसे ही बोल बोल के मेरा गला फट गया है, बट स्टिल, हे व्हाट्स योर नेम, हाय आई एम सार्थक, नाइस टू मीट यू। उसके बाद मैं उस लड़की की ना थोड़ा लोकेशन पे जाता हूँ, सो डू यू लिव हेयर और यू हैव कम हेयर फ्रॉम समवेयर, क्या तुम यहाँ पे रहती हो या तुम कहीं और से आई हो। इस चीज़ को आप हिंदी में भी कर सकते हैं बट आपकी टोनैलिटी सही होनी चाहिए। उसके बाद अगर आपको लगता है कि यू नो फिर भी लड़की को समझ में नहीं आया है कि आप उसको क्यों अप्रोच कर रहे हो, तो यू कैन जस्ट टेल हर, ओके लुक आई अंडरस्टैंड दैट ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा रैंडम है, तो बेसिकली आई फाउंड यू काइंड ऑफ क्यूट सो आई थॉट कि मे बी आई कैन गेट टू नो यू बेटर, ठीक है। उसके बाद आप कॉन्वर्जेशन को कंटिन्यूसली लीड करते हो कि व्हाट्स योर नेम, वेयर आर यू फ्रॉम, तुम यहाँ पे आई हो, यहाँ पे क्यों आई हो, यू स्टार्ट बिल्डिंग द इंटरैक्शन। अभी मैं आपको बताता हूँ आगे क्या होने वाला है, इतना स्मूथ भी नहीं होता है, स्मूथ होता है लेकिन कभी कभार चीजें भाई इतनी ज्यादा स्मूथ नहीं जाती हैं, क्योंकि जब आप लड़की को बोलते हो कि मैं तुम्हें अप्रोच करने क्यों आया हूँ, तो बहुत सारी लड़कियां आपको सीधा ना बोल देती हैं। लेट मी क्लियर यू टू फैक्ट्स ब्रो। नंबर वन, लड़कियों को ना बोलना उनका एक जन्म सिद्ध अधिकार है। दूसरी चीज, मेन आर अप्रोचर्स एंड वुमेन आर चूजर्स। भले ही आप कितने भी सक्सेसफुल हो जाओ बट ये चीज़ नहीं बदलने वाली है। तो भाई भले ही आपके अंदर बहुत एटीट्यूड है बट ये चीज़ जनरली नहीं चेंज हुई है, मतलब जब तक आप बहुत ज़्यादा फेमस नहीं होते हो तब तक तो शायद मेरे हिसाब से नहीं होता है। देखो भाई वो लड़की है और आप लड़के हो और आपको देख के वो लड़की शायद जितने आप नर्वस हो ना आपसे दो गुना ज़्यादा नर्वस हो सकती है। ऐसा हो सकता है वो आपको येस बोलना चाहती हो, आपके साथ इंटरेस्टेड हो, लेकिन वो बहुत ज़्यादा हेजिटेट कर रही है कि भैंचोद कहीं ये लौंडा क्रीपी तो नहीं है, या वो नहीं पता कि आप एक्चुअली में क्या हो, क्या आप एक डिसेंट आदमी हो या आप एक यू नो चूतिए हो। इसीलिए अब मैंने ड्रेसिंग के बारे में इसके पहले वाली वीडियो में बताया था, तो इस वीडियो के बाद वो भी देख लेना, मैं अभी ड्रेसिंग पे नहीं जा रहा हूँ, बट बेसिकली यू हैव टू ड्रेस सेमी फॉर्मल। अब मैं आपको बताता हूँ, जब भी मेरे कॉन्वर्जेशन कुछ इस तरह से रहना, हे व्हाट्स योर नेम, माय नेम इज सार्थक, यू योर नेम इज दिस, कैन आई हैव योर नंबर, लेट्स हैंग आउट समटाइम, और जब लड़की नंबर मुझे इतनी आसानी से दे देती है ना, बिलीव मी मेरे लिए वहाँ पे मजा किरकिरा हो जाता है। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं लड़कियों को छेड़ता हूँ, बट आई टेल यू वन थिंग विच इज मोर इंटरेस्टिंग। भाई देखो ये चीज़ें तुम्हें अपने रिस्क पे करनी है, मैं यहाँ पे किसी भी तरह की ईव टीजिंग या लड़कियों को छेड़ना बिल्कुल भी प्रमोट नहीं करता हूं, उल्टा बेंचोद मैं तुम्हें आके पेलूंगा। जस्ट जोकिंग ब्रो, मुझे पूरा भरोसा है तुम लोगों पे कि तुम लोग ऐसी हरकतें नहीं करते हो। बट नाउ आई विल टेल यू व्हाट हैपेंस, लड़कियां आपको जनरली ये तीन स्टेटमेंट्स बोल सकती हैं, फॉर एग्जांपल, नो आई एम नॉट इंटरेस्टेड, दूसरा आई हैव अ बॉयफ्रेंड, तीसरा वो शायद कुछ बोले ही ना। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने सीखी है कि जब लड़की आपको बोलती है नो आई एम नॉट इंटरेस्टेड, ये चीज सबसे बेस्ट है। सबसे पहले मैं स्टार्टिंग में क्या गलती करता था, जब भी कोई लड़की नो बोल देती तो मैं बोलता ओके आई एम रियली सॉरी, और मैं वहां से चला जाया करता था। बट नाउ जब मैंने थोड़ा और भाई मैंने अपने आप को ना, आपको उस सिचुएशन में भागना नहीं है वहां से, यू आर अ मैन, यू शुड नो कि हाउ टू पुश थ्रू द प्रेशर। ऐसे प्रेशर में आपके अंदर करेज होना चाहिए और एक दो बार आपके अंदर हिम्मत होनी चाहिए और एक दो लाइंस बोलने की, जो मैं आपको अभी सिखाने वाला हूं। जब भी ज्यादातर कोई लड़की नो या नॉट इंटरेस्टेड बोल देती है तो मैं सिंपली बोलता हूं व्हाई। उसके बाद लड़की कोई फालतू का एक्सक्यूज देने लगती है और यहां पे आई स्टार्ट प्लेइंग विद द गर्ल। अब ये चीज़ें मैं आपको जब मैं इन अप्रोचेज का वीडियो प्रॉपर आपको डिस्क्राइब करूंगा वहां पे दिखा दूंगा, बट बेसिकली मैं आपको ये बोलना चाहता हूं कि जब लड़की नो बोल देना तो वहां पे सीधा कॉन्वर्जेशन डेड मत करो, लड़की को देखने दो कि आपके अंदर फिर भी हिम्मत है, यू कैन सिट इन दी फायर, आप उस स्ट्रेसफुल सिचुएशंस को आराम से हैंडल कर सकते हो। एंड बिलीव मी ये चीज़ लड़की को मजबूर करती है अपनी चॉइस को रिकंसिडर करने की, उसने जो डिसीजन लिया था उसको चेंज करने के लिए। एंड बिलीव मी इट हैज़ वर्कड अ लॉट फॉर मी, मतलब
मतलब मैं रुकता हूँ ऐसे नेगोशिएबल कॉन्वर्जेशन के लिए जहाँ पे मैं एक्चुअली कॉन्वर्जेशन को फनी बनाता हूँ. मतलब मैं लेजिट कभी कभार लड़की को नंबर जल्दी मांग लेता हूँ ताकि वो मुझे ना बोले, और उसके बाद मैं उसको कन्विंस तो नहीं बोलूंगा बट हाँ भाई मैं उसको ट्रिक कर सकूँ. ट्रिक भी एक गलत शब्द हो गया, बट टू बी ऑनेस्ट मैं उस लड़की को यू नो आई कैन हेल्प हर टेक हर डिसीजन, क्योंकि इंडियन लड़कियाँ ना बहुत ज़्यादा शाय होती हैं. एंड देखो यू हैव टू बी वेरी 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 रिस्पेक्टफुल एट द सेम टाइम. लेकिन ये भी नहीं लगना चाहिए कि आप उस लड़की को ना बहुत ज़्यादा पुचकारने की कोशिश कर रहे हो. तो यू कैन हेल्प हर टेक द डिसीजन. और मैं सही बता रहा हूँ, मैंने जनरली ऐसे बोला है कि यार ये लड़कियाँ इतने यू नो दिस इज़ वेरी फेमिनिन बट इट स्टिल वर्क्स फॉर मी. यार ये लड़कियाँ तो हमेशा ही ना बोल देती हैं, आई डोंट नो हाउ एल्स डू दे थिंक इट इज़ सपोज टू हैपन. और ये चीज़ मैंने लड़की को भी बोला है कि भाई ऐसे नहीं तो कैसे होगा, वही टिंडर पे राइट स्वाइप आई हेट दिस मैन. और मैं सिंपली वहाँ से नैग करके चला गया हूँ ये सब टैंट्रम्स थ्रो करके. और लेजिट ब्रो इट इज़ वेरी इजी. मैं आपको ये डायलॉग्स में, एक पूरा कॉन्वर्जेशन बहुत लंबा है, बट मैं आपको सिंपली ये बोलना चाहता हूँ कि सीधा नो को एक्सेप्ट मत करो, क्योंकि ज़्यादातर लड़कियाँ आपको ना सीधा शू करना चाहेंगी कि यार तू मेरे से बात ही मत कर. और ऐसे में मैं सिंपली बोल देता हूँ कि यार वाई विल यू नॉट गिव मी योर नंबर, ठीक है. और मैं जनरली अपने आप को ना थोड़ा सा फिर से रिप्रेजेंट कर देता हूँ कि देखो आई डोंट नो यू वेरी वेल एंड आई थॉट कि मे बी मैं आपको थोड़ा सा जान पाऊंगा, सो दैट यू नो देखो मैं यहाँ पे आया हूँ आपके साथ एक जेन्युइन कॉन्वर्जेशन बिल्ड करने के लिए एंड टू सी वेयर दिस गोज. देखो भाई ये सब चीज़ें आप क्यों बोलोगे, ये सब चीज़ें लड़की आपसे क्यों सुनेगी, बिकॉज यू आर अ हाई वैल्यू कॉन्फिडेंट मैन. आप कोई चूतिया छपरी नहीं हो. तो आपके अंदर से जब ये चीज़ें नहीं आएंगी ना तो लड़की भी इन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करेगी. आप लिटरली लड़की को बोल सकते हो कि ऐसे नहीं तो कैसे, एंड दिस इज द बेस्ट स्टेटमेंट. मतलब लड़की खुद हंसने लगती है. और मैंने तो कभी कभार लेजिट लड़की को ये बोला है कि सी आई एम अ क्यूट जेन्युइन गाय हु वुड लाइक टू गो आउट विद यू, स्पेंड सम टाइम, गेट टू नो यू. और यहाँ तक कि मैंने ये भी बोला है कि आई नो दिस गुड सुशी रेस्टोरेंट जहाँ पे हम लोग जा सकते हैं, और यू नो कोरियन, और मे बी एनी रैंडम कैफेटेरिया यू कैन से. एंड मतलब लेजिट मैंने बोला था व्हेन वॉज द लास्ट टाइम. एंड मैं तो लेजिट ये चीज़ भी कभी कभार बोल देता हूँ, एंड सच बताना तब तक नाम आ चुका होता है तो मैं बोल देता हूँ सच बताना श्रेया व्हेन वॉज द लास्ट टाइम कि तुम एक्चुअली यू वेंट ऑन अ डेट. तो यू नो यू स्टार्ट बिल्डिंग दैट कॉन्वर्जेशन, यू हेल्प हर रीथिंक. क्योंकि यू नो ये गलती नहीं करनी है आपको कि बस आए नंबर मांगा नंबर लिया और भाग गए, वो चीज़ फेल हो जाती है. इनफैक्ट ये चीज़ ज़्यादा वर्क करती है जहाँ पे आप प्लीज नहीं कर रहे हो बट यू आर एक्चुअली होल्डिंग अ कॉन्वर्जेशन विद द गर्ल. आप उसे ऐसी चीज़ें बोल सकते हो, लुक आई नो यू डोंट नो मी, मैं समझ रहा हूँ कि यू नो हम एक दूसरे को नहीं जानते हैं, और मे बी यू आर स्केर्ड ऑफ मी. आपको बहुत ज़्यादा नीडी भी नहीं लगना है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक्शंस भी नहीं यूज़ करने. और देखो भाई कुछ कुछ लड़कियाँ आपको ना बोलेंगी ही बोलेंगी. और ये चीज़ याद रखना, कई सारी लड़कियाँ आपको इंस्टा आई डी दे के भगाने की कोशिश करेंगी, तो ऐसे में आपको इंस्टा आई डी कभी भी नहीं लेनी है. मतलब बिलीव मी यू हैव टू टेल हर नो आई डोंट वॉन्ट योर इंस्टाग्राम. और आप बोल सकते हो इट वॉज नाइस मीटिंग यू, आई होप टू सी यू अगेन सम टाइम रियली सून, बाय. और मैं सही बता रहा हूँ ये चीज़ आपको एक हायर स्टेटस पे डाल देती है. एंड बिलीव मी मैं जब लड़कियों के साथ इंटरेक्शन में होता ना तो मैं अपनी इमेज को इस तरह से बना लेता हूँ कि मैं लड़की को जेन्युइनली यही बोल देता हूँ कि यू नो नॉट यू समबडी एल्स, और मे बी मैं ये चीज़ पहली बार नहीं कर रहा हूँ तो आई विल प्रोबेबली गेट समवन बेटर देन यू. क्योंकि मैं लड़कियों की ईगो को इन्फ्लेट होने नहीं देता हूँ कि यू नो उसको ऐसा नहीं फील होना चाहिए कि इतना अच्छा लौंडा बहनचोद आके यू नो सिंपली उस लड़की को आगे पैर छू के जा रहा है. बिल्कुल भी नहीं ब्रो, मैं अपना स्टेटस वापस लेके ही जाता हूँ. और देखो भाई मैं बार बार इस चीज़ पे इतना ज़्यादा इसीलिए आपको ध्यान देने के लिए बोल रहा हूँ कि लड़की के साथ कॉन्वर्जेशन बिल्ड करना, क्योंकि देखो जब आप एक्चुअली लड़की के सामने खड़े होकर वो कॉन्वर्जेशन बिल्ड करते हो ना तो लड़की को एक्चुअली आपका एक एसेंस मिलता है कि वॉट इज इट टू वाइब विथ यू, ठीक है, आपके साथ वाइब करके कैसा फील होता है. क्योंकि देखो अगर आप अभी जब लड़की आपके सामने है ठीक से कॉन्वर्जेशन नहीं बना पा रहे तो आप बाद में घर जाके बाद में आके लड़की को मिलने के लिए बुलाओगे तब क्या घंटा करोगे. तो ब्रो स्टार्ट टू बिल्ड एन इंटरेक्शन, इट कैन बी एनीथिंग. आपको जबरदस्ती बात नहीं करनी, मैं सही बता रहा हूँ. आई कीप पुलिंग द कॉन्वर्जेशन विच कॉल, ऐसी बात करते करते अच्छा सो डू यू लिव हेयर, तो वेर इज योर कॉलेज, विच कॉलेज आर यू फ्रॉम, विच कोर्स इट इज, ओके मैंने ये किया था तो आई हैव लर्न, व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज. थोड़ा सा कॉन्वर्जेशन बिल्ड करो, नंबर स्टार्टिंग में नहीं मांगना मत मांगो बट लास्ट में मांगो, बट इट शुड बी शोन कि आप वहां पे एक जेन्युइन कॉन्वर्जेशन बनाने आए थे, ना ही सिर्फ उसका नंबर चुरा के भागने के लिए, विच इज वेरी क्रीपी मेरे दोस्त. और याद रखना आपको नो बोलने के बाद भी, मैं एक बात बता रहा हूं इसको गलत वे में मत लेना, लेकिन अगर आपको नो बोलने के बाद भी वो लड़की आपके सामने खड़ी है ना, दिस मीन्स दैट
यू नो शी इज स्टिल गिविंग यू अ चांस, शी लाइक्स यू ब्रो, तो मेक यूज ऑफ इट. हो सकता है वो रफली कुछ नो बोल के, यू नो, कुछ रफ वर्ड्स यूज करके चली जाए, दैट इज ऑल्सो नॉट गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम, क्योंकि मैंने आपको पहले सिखा दिया है कि रिजेक्शन से कैसे फर्क ना पड़े. और ये सब एबिलिटीज बिल्ड करने के लिए ना भाई, मैं सही बता रहा हूँ, मैंने काफी सारी लड़कियों को अप्रोच किया है. मतलब बेसिकली ये चीज आपको ना, ये चीज बहुत घिनौनी है कि अगर आप ये चीज पूरी जिंदगी करते रहो एंड यू बिकम अ सेक्स एडिक्ट और यू नो लड़कियों से एडिक्शन हो जाए. इसीलिए मैं बार बार पर्पस का नाम लेता हूँ, क्योंकि दैट इज हाउ दैट शुड बी योर लाइफ. ठीक है, मैं पर्पस पे एक और पूरा वीडियो फिर से बनाऊंगा प्रॉपरली, लेकिन आप पहले मेरी ये बात सुन लो कि यू हैव टू स्टार्ट अप्रोचिंग एवरी गर्ल दैट यू सी, एवरी मैन दैट यू सी टू. याद रखना, अगर आप एक अनजान लड़की को अप्रोच कर सकते हो ना, इसका मतलब आप सबको कर सकते हो. और मेरा एक भाई है बहुत खास, मेरे को पता नहीं वो नाम लेना अलाउ करेगा कि नहीं, ना ही मैं उसके यहाँ पे फोटो लगाऊंगा, बट आई टेल यू वन थिंग, दोस्त मेरा एक दोस्त है भाई, जब मैं उसके साथ अभी ये कुछ वीडियोस वगैरह रिकॉर्ड करने गया था ना, तो कई सारी लड़कियों को देख के ना मेरे माइंड में भी एक्सक्यूज आने लगा था कि नहीं बात नहीं करनी है. तब मैंने उसको, मैं पीछे बोला कि मैंने उसको खुद बोला कि भाई यार तुमने मुझे पुश क्यों नहीं किया, तुम्हें मेरी हेल्प करनी है अपने दिमाग से, लॉजिकल ब्रेन से मुझे बाहर आके पुश करने के लिए, ये बोलने के लिए कि जा सार्थक जा. तो ब्रो वो हेल्प करता है मेरी, मेरे माइंड से बाहर आने के, एंड ही लेजिट नॉट पुशेज मी बट ही जस्ट से गो फॉर इट. तो भाई मैं वहाँ पे भाग जाता हूँ. तो आपका अगर कोई ऐसा दोस्त है जो आपको पुश करता है, जो आपके साथ यू नो ये इसमें इंटरेस्ट रखे, तो ब्रो एक पॉजिटिव दोस्त का होना बहुत अच्छा है. और एक और चीज़ जो मैं सबसे बड़ी गलती करता था वो ये थी कि मैं पहले ना ऐसी लड़की ढूंढता था जो अकेली हो और मैं उससे बात करूं. अब मैं आपको सही बताता हूँ, मैं कभी अकेली लड़की को ना जनरली अप्रोच कभी नहीं करता हूँ. मैं हमेशा दो या दो से ज़्यादा लड़कियों को अप्रोच करता हूँ, क्योंकि वहाँ पे अब मेरे लिए ना वो एक एंटरटेनमेंट तो नहीं बोलना चाहिए, लेकिन भाई मुझे अब उसमें मज़ा आती है. मुझे अकेली लड़की में ब्रो इट्स नॉट दैट मच फन, थोड़ा चैलेंजिंग होता है. जब आप ग्रुप में लड़कियों को अप्रोच करते हो, एक लड़की ना सबकी माँ बन के आ जाती है कि नो शी इज़ नॉट इंटरेस्ट, वो लड़की कुछ बोलेगी भी नहीं. अब मैं आपको ये चीज़ अभी बता देता हूँ कि अभी रिसेंटली मैंने एक लड़कियों के ग्रुप को अप्रोच किया था, तो यू नो वो मैं उस लड़की से बात कर रहा हूँ और उसकी दोस्त बीच में आके बोल रही है नो शी इज़ नॉट इंटरेस्टेड, शी इज़ नॉट इंटरेस्टेड. तो मैंने पता है उस लड़की को क्या बोला कि अपनी दोस्त से कहो दैट वी आर हैविंग एन इंट्रैक्शन, हम लोग बात कर रहे हैं. एंड बिलीव मी, उस लड़की ने बस अपनी दोस्त, उसने उसको ये नहीं बोला, लेकिन उस लड़की ने अपने दोस्त को बस ये बोल दिया कि येस वी आर, और ब्रो वो लड़की दूर हट गई. बिलीव मी दैट इज़ हाउ ईजी इट इज़, लेकिन बस आपको अपनी गाड़ में गूदा चाहिए भाई, एंड इट वर्क्स. मैं इतनी जान यहाँ पे ये सब चीज़ें फ्री तो बार बार नहीं बोलना चाहिए, बट मैं इसीलिए बता रहा हूँ बिकॉज आई रियली वॉन्ट टू हेल्प यू मैन. तो इसीलिए अगर आप ग्रुप में भी लड़कियों को अप्रोच करो तो मेक श्योर आप हर लड़की से बात करो, ठीक है, सबका नाम वाम पूछो, सबके साथ आई कॉन्टैक्ट बनाओ, देन यू फोकस ऑन दैट वन गर्ल, देन यू फोकस ऑन अनदर, क्योंकि वो यू नो आपको ऐसा शो करना आना चाहिए दैट आपका एजेंडा, आपका टारगेट यहाँ पे सेक्स पाना नहीं है, यू आर एक्चुअली लुकिंग फॉर फन, बिकॉज गर्ल्स आर लुकिंग फॉर फन एंड एंटरटेनमेंट ऑल्सो. अब बात रही क्लब्स में, तो ये चीज बहुत ईजी है, दिन में बाहर सोशल एरियाज में भी ये चीज सिमिलर गेम है, बट क्लब में थोड़ा ज्यादा ईजी हो जाता है. तो गाइज देखो, ये जो बीच बीच में आप वीडियोज देख रहे थे, अगर आपको एक एक वीडियो का ब्रेकडाउन देखना है तो आप मेरे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. और साथ ही साथ अगर आपने इस वीडियो के लिए बैक स्टोरी में सबसे इंपॉर्टेंट मेरा ये वीडियो नहीं देखा है, हाउ टू बी अ मैस्कुलिन बैड बॉय, इस वीडियो के बाद ये वीडियो आपके लिए देखना बहुत जरूरी है. और ये है मेरा वो दूसरा चैनल जिसको जाके आपको सब्सक्राइब करना, और यहां पे मैं डिटेल में आपको वो अप्रोच सिखाऊंगा. आई होप आप लोगों का इस वीडियो से थोड़ा सा माइंडसेट बना हो, थोड़ा समझ में आया हो कि लड़कियों को कैसे अप्रोच करते हैं. मेरे दोस्त मुझे एक घंटे के ऊपर हो चुका है, मैं आप लोगों के लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं खड़े खड़े थक गया हूँ, मुझे आई हैव स्टार्टेड फीलिंग नंब. ठीक है, तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल हेयर. आप अपने दोस्त के साथ शेयर कर सकते हैं जिसको आप अपना विंग मैन बनाना चाहते हैं, जो आपको लड़कियों को अप्रोच करने में हेल्प करे गाइज. और बहुत जल्दी मैं अभी एक ऐसा पोर्टल, एक ऐसा सर्वर खरीदने वाला हूँ जहाँ पे आप थोड़ा सा ना वॉइस रिकॉर्ड करके या कुछ ऐसी चीज़ें रिकॉर्ड करके ना आप वहाँ पे अपलोड कर सको, और मैं आपकी अप्रोच कैसे है उस पे आपको वर्क करने में हेल्प कर सकूँ. तो गाइज आई होप आप लोगों को इस वीडियो में मजा आएगा. आई विल सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट अनदर वीडियो. आई लव यू सो मच. बाय.